वेल एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लाइसिन। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। कल आप लोगों को बताया था इसका प्रिपरेशन मेथड्स के किस तरीके से बनाते हैं। तो पहली रिएक्शन है साल्ट फॉर्मेशन। साल्ट का मतलब लबड़ फॉर्मेशन। तो लबड़ पता ही होंगे किस तरीके से बनते हैं, जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो फॉर्मेशन हो जाता है साल्ट का। ये रिएक्शन कहला दी उदासीनीकरण रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर हमने ग्लाइसिन लिया है, ये देखिए ग्लाइसिन का फॉर्मूला है। NaOH यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है, तो आप लोग यहाँ से देखिए COONa, ये देखिए यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा सोडियम एमिनो एसिड। ये सोडियम एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा और H2O आप लोग देख सकते हैं यहाँ से रिलीज होगा H और OH। ये देखिए रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया को हमने इस तरीके से तोड़ के लिखा है HNH2 करके, ये हमने अमीनो एसिड लिया है, तो आप लोग यहाँ से देखिए H2O यहाँ से रिलीज हुआ है, ये देखिए, और ये ग्रुप आकर यहाँ पर कनेक्ट हो गया CONH2। और आप लोगों को पता होगा CONH2 ग्रुप मतलब क्या होता है, एमाइड, एसिटामाइड होता है। जिस तरीके से CH3CONH2, इसी प्रकार से ये एमाइड का फॉर्मेशन हो गया है। जब भी एसिड अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा बनता है एमाइड। अब देखिए रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, यानी ऑक्सीडेशन संख्या में कमी। तो आप लोग यहाँ से देखिए यहाँ पर हमने ये लिया है ग्लाइसिन लिए, इसका हमने कराया रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ से फॉर्मेशन हो गया है बीटा एमिनो इथिल एल्कोहल का, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर आकर कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर चार लग जाएंगे, रिएक्शन बैलेंस नहीं थी, चार लग जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं जब भी मतलब जो एसिड होता है, जब भी उसका कराया जाता है रिडक्शन, तो हमेशा बनता है एल्कोहल। तो पिछली वीडियो में करवा भी चुके हैं, ये हमने एसिटिक एसिड में कराई भी थी रिएक्शन। तो देखिए चौथी रिएक्शन है रिएक्शन विद HCl हाइड्रोक्लोराइड एसिड। इसमें कुछ नहीं होता, ये एक प्रकार से रिएक्शन कहलाती है एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जो HCl होता है वो यहाँ पर आकर कनेक्ट हो जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं NH2 था, यहाँ पर H+ जुड़ा NH3 हो गया, और ये एक प्रकार से आप लोग देख सकते हैं डिसोसिएट भी हो जाएगा NH3+ और Cl-। ये देखिए इसका नाम है ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड। ये देखिए ग्लाइसिन है, ये हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रो मतलब यही ग्रुप का जुड़ा है, और क्लोराइड, ये देखिए ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये रिएक्शन कहलाती है एडिशन रिएक्शन। एस्टर फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये भी पूछ देते हैं कि आप लोग ग्लाइसिन से किस तरीके से प्राप्त करोगे एल्कोहल। ये देखिए बीटा एमिनो एथिल एल्कोहल। अब देखिए पांचवी रिएक्शन है जो कि इम्पॉर्टेंट है, काफी बार आप लोगों को बता चुकी हैं कि एस्टर फॉर्मेशन यानी एस्टरीकरण क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो एसिड होता है वो रिएक्शन करता है एल्कोहल के साथ, और जिसके फलस्वरूप बन जाता है क्या, एस्टर यानी एथिल एसीटेट। और इसमें एक प्रकार से फलों के समान जैसी गंध आती है। तो इसमें देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने ग्लाइसिन लिया, ये देखिए यहाँ पर H2O गैस हो गई है रिलीज, और पूरा ग्रुप आकर यहाँ पर हो जाता है कनेक्ट। तो देखिए ये इसका नाम भी आप लोग देखिए एथिल एमिनो, ये देखिए पूरा एमिनो एसीटेट, एमिनो ग्रुप है ये NH2 और एसीटेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, इथिल एमिनो एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाता है, या कहा जाए एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, इसकी वीडियो केमिकल रिएक्शन आप लोगों को सेकंड पार्ट में कराएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू।